हाय, आप देख रहे हैं इवन एजुकेशन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड सो डेट। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू। आज है 30 मई 2020। क्वेश्चन ऑफ द डे 30 मई 2020 का, तो पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन। एक सिगरेट 3 मीटर लंबी है, वह पूरी जलने में 12 मिनट लेती यदि कोई कश ना लिया जाए। यदि कश लिया जाए तो वह 3 गुना तेजी से जलती है। यदि एक कश 5 सेकंड में लिया जाए तो सिगरेट पूरी 8 मिनट में जल जाती है, तो बताइए कुल कशों की संख्या कितनी है। देखो, एक सिगरेट 3 मीटर तो लंबी है, ठीक है, अब 12 मिनट में जल जाती है। अब मैं देख रहा हूँ जल कितने में रही है, आप कहोगे 8 मिनट में, ठीक है, और जलनी कितनी थी 12 में, तो मुझे मालूम चल गया कि इसमें कश भी लिए गए हैं इसमें, ठीक है, और कुछ गैप भी दिया गया है, और इसमें तो ओनली कस ही कस लिया गया था, एक ही कस में पूरा ख़त्म सिगरेट का हिसाब। तो मुझे मालूम चला यहाँ से कितने मिनट की बढ़त मिली, 4 मिनट। लेकिन वो कह रहा सिगरेट 3 गुनी तेज़ी से जलती है, जैसे 5 सेकंड में जलनी थी, ठीक है, एक कस में ऐसे मान लो कि 5 सेकंड में एक कस लिया गया, ठीक है, उस हिसाब से जलनी कितनी थी 15 में, तो यहाँ से कितनी बढ़त मिली इसको 10 की, मतलब एक कस में 10 सेकंड की बढ़त मिल गई इसको, और टोटल बढ़त कितनी मिल रही थी 4 मिनट की, तो इसको सेकंड में बनाओ तो आप कहोगे कुछ मत करो दूर तब 60 का गुणा कर दो, तो 60 का गुणा करूँगा मैं इसमें तो कितना बन जाएगा 240 सेकंड। अब एक सेकंड में एक कस कितने सेकंड में लिया जा रहा है 10 में, तो 240 सेकंड में कितने कस लिए जाएंगे 24, ठीक है, तो 24 कस लेने पड़ेंगे सिगरेट को पूरी ख़त्म करने के लिए, तो आंसर कौन सा होगा, पहला ही। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितनी जल्दी और कितनी खूबसूरती से हुआ। इसमें क्या था, केवल अंतर को देखना, कितना कितना अंतर आना है, केवल यही देखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलते हैं आपको। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, और आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाके हमें फॉलो करना है टेलीग्राम पे, ये सब PDF आपको वहीं मिलेंगी, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हो चाहो तो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर।